सुप्रभात दोस्तों, आज हम सीखेंगे गणित टेस्ट आठ। कौन सा टेस्ट है दोस्तों? आठवां टेस्ट है। और आठवां टेस्ट के लिए इससे पहले टेस्ट वन, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री, टेस्ट फोर, ऐसे आठ, ये आठवां टेस्ट है। तो ये सब आपके सभी की वीडियो बना के भेज दिया है और ये आठवां टेस्ट की वीडियो बना के भेज रहा हूँ। और इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आप पूरी पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए इसमें सब निर्देश से पहले पढ़ लीजिए, सभी प्रश्नों के उत्तर अंत में देखिए। जितने भी प्रश्न हैं, जितने प्रश्न हैं, इन सब के चार ऑप्शन दिए जाएंगे और उत्तर आपको 10 प्रश्नों के बाद सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिला लेंगे। अपनी कॉपी में हल कीजिए और प्रश्नों के उत्तर भी लेंगे कि आपने इसको सही जवाब दे सकते हैं, कितने प्रश्नों आपने सही किए, सारा टेस्ट आपको अपने आप मिल जाएगा। इसमें कुल कितने 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्नों का पूर्णांक कितना 100 का। समय आपके लिए 1 घंटा रहेगा। प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है और हिंदी एजुकेशन आप यूट्यूब पे जाएंगे और ये जो हिंदी एजुकेशन लिख रखा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे पूरी लिंक इसकी मिल जाएगी। दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए, इसमें लिंक दे रखी है आपको, ये वाली हिंदी एजुकेशन, ये आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे एक चैनल मिलेगा और जिस चैनल पे आपको सारे इसकी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं और इस यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो सब्सक्राइब आपको इसको जरूर करें, ठीक है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, देखिए एक प्रश्न है, 111 भागित 11 प्लस 3 गुणित 13 माइनस 25 बराबर क्वेश्चन का मान क्या है। ये चार ऑप्शन आपको मान है, 40, 53, 25 और 50। ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो ये देखने वाली बात है कि इसमें बोर्डवर्स का नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा दोस्तों? बोर्डवर्स का नियम। और बोर्डवर्स का नियम क्या कहता है कि पहले भाग हल करेंगे, क्या हल करेंगे पहले अपन, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, भाग हल करेंगे, ठीक है। बोर्डवर्स के नियम में क्या होता है, पहले भाग, फिर क्या होता है गुणा, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हल करेंगे अपन, जोड़, और फिर क्या करेंगे घटा। ये चार नियम पे बोर्डवर्स का नियम चलता है। तो सबसे पहले अपन भाग हल करना, क्या हल करना, भाग। तो भाग देखना है कि किन दो संख्याओं के बीच में ये भाग, यहाँ पे भाग लग रहा है ना। तो इस 11 का 121 में अपन भाग लगाएंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 121 में 11 का भाग लगाएंगे कितना आएगा, 11 121 यानी कितना आएगा, 11 है, ठीक। ये अपने पास आ गया। इसके बाद क्या कहता है, गुणा। अब अपन गुणा करेंगे दोस्तों, गुणा किस में करना है, गुणा इन दोनों के बीच में गुणा। तो जोड़ का चिन्ह इसका काम नहीं आया तो जोड़ ऐसे ऐसे लिख दो, आप यहाँ पे जोड़ ऐसे ऐसे लिख दो। और 13 का गुणा 3 में करेंगे तो 13 कितना होगा दोस्तों, 39 होगा। ये 39 आप अपनी कॉपी में लिख लें ऐसे, ठीक। अब इसके बाद क्या है, जोड़ का निशान है तो इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा दोस्तों। अब ये घटाने का निशान है तो घटाना ऐसे ऐसे लिख लो और 25 यहाँ पे लिख दो, ठीक। अब जोड़ का निशान है तो जोड़ कर करने के लिए ये 39 और 11 को जोड़ेंगे कितना होगा दोस्तों, 39 में 40 में 10 50, ये हो जाएगा आपका 50, ठीक है। और 50 में से ये माइनस हल करेंगे 25, तो 50 में 25 घटाएंगे कितने बचे दोस्तों, 25 बचेगा आपका, है ना। तो 25 अपने कौन सा ऑप्शन में आ रहा, सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन को ट्राई करें, ठीक है। इस ढंग से अपने इसको हल करते हैं, एक बार और समझ लो, पहले इसको भाग हल करेंगे, फिर गुणा हल करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और फिर कटाएंगे, ठीक। ये चार नियम के अनुसार इसको हल करेंगे। अभी यहाँ पे चार ही नियम बता रहे हैं आपको, इसलिए चार नियम के आधार पर इसको हल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 24 और 36 का मस ज्ञात कीजिए, महत्तम समापवर्तक यानी सबसे बड़ा गुणा, महत्तम समापवर्तक मतलब क्या होगा, सबसे बड़ा गुणा। तो 24 से
अब 24 के अगर ऊपर सबसे पहले फैक्टर करते हैं तो क्या होगा दोस्तों, 12 12 गुणित 2, 12 गुणित कितना होगा 2, 12 गुणित 24, और 36 के करते हैं तो क्या होगा, 12 गुणित 3। अब इसमें जो 12 है ये इसमें कॉमन है, इसके अंदर 12 है और ये इसके अंदर भी कॉमन है, जो कॉमन हो उसको ले लेना है। इन आप अपनी कॉपी में लिख कर भी इसको हल कर सकते हैं, जैसे 24 में 2 का भाग लगाया, फिर 12 आया, फिर 2 का भाग लगाया, फिर 6 आया, फिर 2 का लगाया, 3 आया, है ना, ऐसे भी इसको कर सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन है फैक्टर है उनको कर लेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 12 आएगा, 12 दूनी 24 और 12 तीन 36, तो 2 और 3 तो आपको लेना नहीं है, इसमें कौन सी चीज मिल रही है, 12, इसलिए इसका मतलब क्या होगा, 12। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 25 और 40 का लस ज्ञात कीजिए। अब 25 का लस लघुतम समापवर्तक में क्या होता है, सारी चीजें लेते हैं, जितने गुणनखंड सबको लेते हैं, तो पहले 25 यहाँ लिखिए, आप ऐसे ऐसे अपना कालम बनाइए, 25 यहाँ लिखिए ना, अपन 5 से लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, इसी तरह फिर 40 लिखिए अलग, ये अपनी कॉपी लिखते जाइए, आप ये सोचिए कि सबकी कॉपी नहीं चल रही, यह कंप्यूटर पे ऐसे ही चलता है, फिर अगर इसको 5 से लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार में 2 से लगाएंगे कितनी बार जाएगा, ना 2 चौक 8, सबसे पहले आप छोटी संख्या से लगाए फिर बड़ी संख्या पहुंचे, पहले 2 से लगाए फिर 2 से लगाए 2 से लगाए, तो 2 से 3 बार लगेगा, फिर 2 से लगाओ तो कितनी आ जाएगा, 2 आएगा, फिर 2 से लगाए कितनी बार जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या लस देखना है, तो लस इसका तो 5 ले लेंगे अपन, और इसका भी 5 ले लेंगे, अब 5 इसमें है तो ये बार बार दोबारा नहीं लेंगे, दूसरी बार को फिर 5 को नहीं लेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसका कितना आया, 25 का कितना आया, आपने देखो ये 25 का कितना आया, पहले 5 आया पूरी, फिर 5 आया, और 40 का जो गुणनखंड अपना ने किया वो क्या आया, पहले 2 आया है, फिर 2 आया, छोटी संख्या पहले लेंगे, फिर 2 आया और 5 आया, 2 × 4 × 8 बजे 40। ठीक है, तो अपन जो ऐसा करेंगे, इसमें ल समय क्या होता है कि जो गुणनखंड इसमें दूसरी बार आता है उसको एक ही वाले, तो इसमें 5 ले लिया, इसने 5 ले लिया, अब ये 5 आएगा तो इसको नहीं लेंगे, इसको अब दोबारा नहीं लेंगे, तो 5 कितना हो, 25, 25 × 50 और 50 × 100 और 100 × 200, तो कितना आंसर आ गया इसका, 200 आ गया, तो इसका लस कितना हुआ दोस्तों, 200। ठीक, यह लिखेंगे अपन लस बराबर 200। ठीक है, आपको यह पेन नहीं चल रहा है, लेकिन पेन ऐसे ही चलेगा, आप इससे परेशान नहीं हो, 200, तो 200 का प्राइस आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा सवाल देखिए, दो संख्याओं का लस 200 है और मस 5 है, एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक फार्मूला आप लिख लीजिए कि लस है ना, लस गुणित मस है ना, मस और बराबर क्या होता है, पहली संख्या ठीक है गुणित दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या मान लो ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या अपन मान लेते हैं बी, ठीक है, लस इनटू मस बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, तो लस है कितना पर 200 है, तो यहाँ अपन 200 लिख देंगे है ना, और मस कितना है 5 है तो 5 लिख दिया। अब यहाँ देखना है कि पहली संख्या कितनी है अपनी, 25 है, तो 25 गुणा वाली संख्या कहाँ जाएगी, ये भाग में जाएगी, तो यहाँ 25 लिख देंगे, 25 को यहाँ लिख देंगे, ठीक, और यहाँ कितनी है, मान लो कि पहली संख्या अपने पास याद करना अपने ना,
पहली संख्या दे रखी तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। अब 25 से काटेंगे तो 25 आठे 200 कितना आया 8, और 8 का गुणा 5 में करेंगे कितना आएगा 40 आएगा, यानी कि दूसरी संख्या का मान इस बी का मान कितना हुआ 40 हुआ, ठीक है। तो 40 ए ऑप्शन अपना राइट। एक बार समझे, ल स गुणित म स बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ऐसा आप अपनी कॉपी में लिख लें, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, और जो दूसरी संख्या अपन ज्ञात करनी है यहाँ 5 लिख देंगे, पर यहाँ कितना लिखेंगे 5, 25 लिख देंगे और 25 को यहाँ से भाग में लगा देंगे, 25 आठे 200 और 8 पंजे 40, तो दूसरी संख्या मान कितना हो गया 40, ठीक। अगला 2197 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब घनमूल ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड करेंगे तो 21 से जाएगा दोस्तों 13 से जाएगा, 13 का 3 बार भाग लगेगा इसमें तो 2197 आ जाएगा, ठीक है। घनमूल अपन ऐसे करके करें 2197 13 से लगाएंगे ऐसे तो देखो 13 एकम 13 आएगा और 13 ने 8, 8 पे 9 90, 63 91 नहीं आएगा, फिर वह 63 78 6 फिर 9 आएगा, फिर 13 से लगेगा, फिर 13 है ना, ऐसे करके 3 बार चल जाएगा, 13 से भाग लगेगा, ठीक। तो 13 से क्वेश्चन सर राइट हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सी संख्या पूर्ण घन है, 27 घन नहीं है, ऊंचाई से नहीं है, तो 27 तो पूर्ण घन है, 64 भी पूर्ण घन है और 1000 पूर्ण घन, तो कौन सी नहीं है, 81 नहीं है, 81 केवल वर्ग है, तो 81 इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अब इसमें 25 का घन बताइए, घन मतलब घन क्या होता है दोस्तों बताइए, तो घन होता है दोस्तों 25 की 3 बार घात करेंगे, कितनी बार करेंगे 3 बार, यानी कि 25 है ना गुणित फिर 25 ऐसे गुणित फिर 3 बार इसका गुणा करना, तो 3 बार गुणा करने पर क्या आएगा 15625, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है 5000 रुपए का 3 वर्ष का 10% दर से मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अब मिश्रधन कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसका साधारण ब्याज निकालेंगे और ब्याज को मूलधन में जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास मिश्रधन आ जाएगा, तो साधारण ब्याज आप निकालना याद है, ये मूलधन रहेगा है ना, ये गुणित दर कितनी रहेगी 10% रहेगी और समय कितना रहेगा 3 रहेगा, बटा कितना आएगा 100 आएगा, तो 2 सिपर से 2 सी पकड़ जाएगी है ना, और 50 में 10 30 का गुणा करें कितना आएगा 5 तरी 15 यानी कि 1500, तो ब्याज 1500 आएगा और 1500 किस में जोड़ेंगे 5000 में जोड़ेंगे, तो 6500 तो बी ऑप्शन पर राइट हो जाएगा, ठीक। ये इसका निशोधन होगा। अगला देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल 5625 है तो वर्ग की भुजा कितनी होगी, यानी जिसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, 5625 का अपन क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, तो किस संख्या का वर्गमूल ये आ रहा है इसमें, इसको गुणा करके देखेंगे तो ये आ रहा है 75 में, 75 का वर्ग है तो इसकी भुजा कितनी होगी 75, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लास्ट बचा है, किस संख्या का आधा 875 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, आधा मतलब क्या होगा 1/2, माना की संख्या क्या होगा एक्स है, आधा मतलब 1/2, आज 2 का भाग लगाए तो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा और बराबर 875 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को अगर ना एक्स का मान निकालना है तो ये जो संख्या भाग में क्या जाएगी गुणा में जाएगी, यानी इस 2 का ही संख्या में गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा करेंगे 2×10 की सिफर आएगी, सिला 1 214 ने 15 का 5, सिला 1 2×8 16 ने 17, यानी कि 1750 संख्या क्या होगी 1750, डी ऑप्शन टाइप, ठीक। तो इस तरीके से इसको हल कर लेंगे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको यह नीचे दे रखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, ये पहले प्रश्न का उत्तर है, ये दूसरे का उत्तर है, आप अपनी कॉपी लिखते जाए इन सबको और ये 10 तक के उत्तर दे रहे हैं,
किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, ये सारे प्रश्न के उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं। और यहाँ से आप अपने कॉपी में लिख लें कि मैंने कौन कौन से प्रश्न सही किए थे, कौन से गलत हुए, सब प्रश्न उत्तर आपको ये मिलेंगे और वीडियो के माध्यम से आप सीख भी गए। और इसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, फोटो खींच के मेरे को भेजिए, प्रश्न कमेंट में लिख दीजिए कि समझ में नहीं आया, उसको मैं आपको बड़ी अच्छी तरह समझाऊंगा। थैंक यू।